चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। उत्तर में लुधियाना की ओर से आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग मलेरकोटला के पूर्व से बाईपास होकर जर्ग चौक, नाभा मोड़, गवर्नमेंट कॉलेज के निकट से होकर दक्षिण में संगरूर की ओर प्रस्थान कर जाता है। शहर के उत्तरी छोर पर लुधियाना बाईपास से दक्षिण की ओर एक महत्वपूर्ण सड़क शेख माली रोड के रूप में मलेरकोटला मुख्य शहर में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हुए शहर का ऐतिहासिक बाजार मोती बाजार प्रारंभ होता है। मलेरकोटला शहर के नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 1,70,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटियाला मंडल में लुधियाना एवं पटियाला के बाद तीसरा एवं पंजाब राज्य का 13वां सबसे बड़ा शहर है। मोती बाजार के मध्य में कूलर चौक स्थित है। यहाँ दक्षिण पूर्व की ओर सड़क लाल बाजार एवं दक्षिण की ओर सड़क मोती बाजार के रूप में सदर बाजार की ओर बढ़ जाती है। मोती बाजार में दोनों ओर कतारबद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान दिखाई पड़ते हैं। आसपास के ग्रामीण एवं शहर के लोग मलेरकोटला में बड़ी संख्या में खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। मोती बाजार अपने दक्षिणी छोर पर पीपल वाला चौक पर पहुंचता है। यहाँ दक्षिण की ओर सदर बाजार स्थित है, जो दक्षिण में दिल्ली गेट चौराहा से जुड़ता है। पूर्व की ओर बांस बाजार एवं पश्चिम में लोहा बाजार स्थित है। लोहा बाजार कमल सिनेमा होकर दक्षिण में बिजली घर चौक की ओर निकल जाता है। सदर बाजार के पश्चिम में पुराना लोहटिया बाजार स्थित है, जहां उर्दू बाजार में मलेरकोटला की सबसे मुख्य मस्जिद जामा मस्जिद स्थापित है। मोती बाजार स्थित कूलर चौक से दक्षिण पूर्व की ओर स्थित लाल बाजार शहर के महत्वपूर्ण बाजारों में एक है। मलेरकोटला शहर की नींव सूफी संत शेख सदरुद्दीन सदर ए जहां ने रखी थी। यह ब्रिटिश काल में एक रियासत के रूप में अस्तित्व में रहा। देश की आजादी के पश्चात पेप्सू राज्य का गठन हुआ तो मलेरकोटला को संगरूर जिले की एक तहसील के रूप में विकसित किया गया। 1956 में पेप्सू राज्य का विलय पंजाब राज्य में हो जाने पर मलेरकोटला पंजाब राज्य का भाग बना। लाल बाजार दक्षिण की ओर बढ़ते हुए तालाब बाजार के रूप में पहचाना जाता है, जो अपने दक्षिणी छोर पर सरहिंद गेट चौराहा पर जुड़ता है। सरहिंदी गेट चौराहा से पूर्व की ओर सड़क खन्ना की ओर प्रस्थान कर जाती है। पश्चिम में तेलियान बाजार में प्रवेश किया जाता है एवं दक्षिण की सड़क सरहिंदी गेट बाजार के रूप में जानी जाती है। 2021 तक संगरूर जनपद की एक तहसील के रूप में पहचाना जाने वाला मलेरकोटला 2021 में स्वतंत्र जनपद के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में यह पंजाब राज्य के 23 जनपदों में एक है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह पटियाला मंडल में सम्मिलित किया जाता है। सरहिंद गेट बाजार क्लब चौक होकर पूर्व की ओर घूमकर शहर के व्यस्त चौराहे दिल्ली गेट चौक पर पहुंचता है। दिल्ली गेट चौक पर उत्तर की ओर सदर बाजार एवं पश्चिम की ओर बिजली घर चौक की ओर सड़क जाती है। दिल्ली गेट से दक्षिण की ओर का बाजार दिल्ली गेट के रूप में ही जाना जाता है। मलेरकोटला जनपद 3 उपमंडलों मलेरकोटला, अहमदगढ़ एवं अमरगढ़ में विभाजित है। बाजार दिल्ली गेट में ही काली माता का ऐतिहासिक मंदिर भी स्थित है। दिल्ली गेट बाजार अपने दक्षिणी छोर पर मलेरकोटला बस स्टैंड पर पहुंचता है। मलेरकोटला बस स्टैंड से आसपास के महत्वपूर्ण शहरों के लिए निर्बाध बस सेवाएं उपलब्ध हैं। बस स्टैंड से दक्षिण की ओर आधा किलोमीटर सफर तय करके बस स्टैंड रोड ठंडी सड़क पर जुड़ जाता है। ठंडी सड़क पूर्व में संगरूर रोड से लेकर पश्चिम में रेलवे स्टेशन तक विशाल आकार में फैली हुई है। यह पश्चिम की ओर बरनाला चौक होकर रेलवे स्टेशन से जुड़ती है। मलेरकोटला रेलवे स्टेशन से होकर लुधियाना जाखल जंक्शन रेलमार्ग गुजरता है। यहाँ दिल्ली, हरियाणा एवं लुधियाना आदि के लिए रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन से उत्तर की ओर का मार्ग रेलवे रोड के रूप में जाना जाता है। यह सड़क बिजली घर चौक होकर दिल्ली गेट की ओर निकल जाती है।
ठंडी सड़क पूर्व की ओर संगरूर मार्ग की ओर जाती है। मालेरकोटला शहर को प्रशासनिक दृष्टि से कुल दो थाना कोतवाली क्षेत्रों कोतवाली शहर प्रथम एवं कोतवाली शहर द्वितीय में विभाजित किया गया है। मालेरकोटला जैसे सुंदर शहर को कैमरे में संजोना मेरे लिए एक आनंदमयी अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मालेरकोटला शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो मालेरकोटला शहर एवं इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।